अखिलेश यादव होना चाहिए। जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ में जयकारे के साथ में अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सद्वत चतुर्वेदी जी, मंच पर बैठे हुए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, जिनको सबने देखा है अर्जुन के रूप में, फरोज खान साहब, बाला कुशवाहा जी, रमेश प्रसाद जी, चैया प्रजापति जी, वीर सिंह पटेल जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी नौजवान साथी बंटी भैया, उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेता, गौरवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे प्रतिनिधि, चुनावी जनसभा में उपस्थित आदि बुजुर्ग, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आई हुई जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां मैदान में हमें लाली लाल टोपी दिखाई दे रही हैं, कोई ऐसा सर नहीं दिखाई दे रहा है, कम है सर ऐसे जिनके सर पर लाल टोपी न हो। ये बता रही है लाल टोपी कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। और मुझे यकीन है कि यहां की जनता और यहां के लोग अपने लोकप्रिय प्रत्याशी बंटी भैया को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजेंगे। मैं जब से आया हूं छतरपुर और जब से मध्य प्रदेश की चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं केवल यहां के लोग नहीं, भोपाल के लोग भी जानते हैं और मध्य प्रदेश के बाहर जो आकलन करते हैं वो भी जानते हैं कि इस विधानसभा से कौन जीत करके जा रहा है। सब मान गए कि कोई जीत करके जा रहा है तो समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह वाले बंटी भैया जीत करके जा रहे हैं। और ये बताओ बंटी भैया जीते क्यों नहीं, बंटी भैया जीते क्यों नहीं? बंटी भैया के लिए अखिलेश भैया भी वोट मांगने आए हैं। बताओ अगर हम अपने भैया के लिए वोट मांगने आए, हमें भैया कहते हो, तो बंटी भैया के लिए वोट मांगने आए तो बताओ कितने वोट से जिताओगे आप? और आदरणीय सत्यवीर चतुर्वेदी साहब ने ठीक कहा, कोई जन समर्थन नहीं जुटा पा रहा है इस विधानसभा में, कोई जन समर्थन नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि यहां की जनता, यहां के लोग अपने राजनीतिक विरासत अगर किसी को देना चाहते हैं तो बंटी भैया को देना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते। जहां न्याय अन्याय और किसका सम्मान हो उसका चुनाव हो, तो मैं एक एक वोटर से, अपने एक एक बुजुर्ग और नौजवान से निवेदन करूंगा कि तारीख वोट डालने की आ गई है, कोई तारीख में देर नहीं बची है, कल प्रचार का आखिरी दिन है, एक दिन सोचने का है
और उसके बाद आपको मतदान करना है। बताओ जब मतदान होगा तो साइकिल सबसे रफ्तार से भागेगी कि नहीं भागेगी, ये बताओ। और फिर सोचिए, इसी का तो समाजवादी लोग इंतजार कर रहे थे। ये सही है कि इनकी विरासत का चुनाव है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लोगों का भी ये मान सम्मान का चुनाव है। अगर आप विरासत की बात है तो हमारे लिए भी मान सम्मान की बात है। और जिस मंच पर अर्जुन आ गए हो, बताओ कितना टीवी पे अर्जुन को देखें हम और आप। और जब अर्जुन मंच पर हो, अर्जुन मंच पर हो और यहां कृष्ण को भी मानने वाले बैठे हो, तो बताओ क्या होगा फिर उसके बाद। सब परिस्थितियां इनके साथ हैं, सब परिस्थितियां इनके साथ हैं। बताओ है परिस्थितियां कि नहीं है परिस्थितियां साथ। ऐसा चक्र घूमा है कि अब कोई मैदान में नहीं दिखाई दे रहा है। बाजार में चर्चा कर लो, एयरपोर्ट पर चर्चा कर लो, आम लोग जो ठेला लगा रहे हैं, आम लोग जो कहीं दिखाई दे रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कोई जीतेगा तो बंटे भैया जीत करके यहां से जा रहे हैं। इसलिए हमने भी तय कर लिया कि एक एक नौजवान तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक एक नौजवान की जिम्मेदारी है। किसान भाई सोचो, कल ही तो गए प्रधानमंत्री जी, कल गए यहां से प्रधानमंत्री, क्या मिला है कभी सोचा आपने? 4.5 साल में क्या मिला आपको, क्या देखे गए हमें और आपको? बताओ किसान भाइयों, ये मेहनत छोड़ करके आए, अपना खेत छोड़ आए आप, आप मिट्टी को छू करके देखिए, खेत की मिट्टी में जो काम करते हो, सोच के बताओ आप 4.5 साल में क्या दिया है? कुछ मिला हो 4.5 साल? और मध्य प्रदेश के लोगों बताओ, 15 साल एक सरकार बनती रही, 15 साल का हिसाब किताब देना है। और मैं समझता हूं ये बंटी भैया से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता, विधानसभा में कोई आपकी आवाज नहीं उठा सकता। जिसकी इतनी लंबी राजनीतिक विरासत हो, कौन है स्वतंत्रता सेनानी लोग जहां आजादी की लड़ाई में शामिल रहे हो, आजादी की लड़ाई में ये परिवार शामिल रहा। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के आप जो प्रभारी थे, आप जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे सत्य चतुर्वेदी जी, आप लोग कांग्रेस से नहीं घबराते थे यूपी में। वो कहते थे कि सत्य चतुर्वेदी आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस में जान तो नहीं डाल देंगे। आप जब प्रभारी थे लोग कहते थे जान डाल देंगे कांग्रेस में, हम आपसे घबराते थे। और यहां तो आपने जान निकाल दी कांग्रेस की, बताओ कुछ बचाए कांग्रेस में? बताइए आप, है समाजवादी साथियों, हमें पुराना हिसाब किताब भी करना है। ये आ गए, अब क्या बचाए कांग्रेस में बताओ, कुछ है? यहां के लोग बताओ कुछ कांग्रेस में बचाओ। और फिर और जो प्रत्याशी है उनसे हमारा आपका पुराना हिसाब किताब भी बाकी है, है कि नहीं, बताओ आप। तो अब तो किसके पक्ष में हो आप? और कोई फर्क नहीं है कांग्रेस बीजेपी का। ये सही है कि जिस कांग्रेस ने आजादी दिलाई वो कांग्रेस अलग थी, एक कांग्रेस वो जो गांधीवादी विचारधारा वाली है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सत्य चतुर्वेदी जी ने कहा कि मेरे शरीर से कांग्रेस नहीं जा सकती। और ये ठीक बात इसलिए है कि कांग्रेस को देश के लोग वो समझते हैं कि गांधीवादी विचारधारा वाली कांग्रेस वो आपके शरीर से कभी नहीं जाएगी। लेकिन जो आज की कांग्रेस है जिसने रास्ता गलत दिखाया देश को, वो देश में तो बाद में पहले यहां से जाएगी। और बताओ सोचो आप, कोई फर्क हो कांग्रेस और बीजेपी में हमें बताइए आप।
ठंडे दिमाग से सोचिए पत्रकार साथी, आप सोच के बताओ, कोई हो फर्क तो बता दो आप। कोई फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में, उनकी नीतियां उनके कार्यक्रम एक से हैं। जो कांग्रेस है वो बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, दोनों की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। और अभी तो उन्हें प्रचार के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अभी सूची आई है, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सूची आ गई कि देश में किसने विज्ञापन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, विज्ञापन की सूची अभी निकली है। बीबीसी ने भी स्टोरी कर दी, बहुत सारे अखबारों ने स्टोरी कर दी कि आखिरकार विज्ञापन पे कितना खर्च हुआ है पैसा। सबसे ज्यादा अगर किसी ने विज्ञापन पे खर्च किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन पे खर्च किया है पैसा। वो क्यों ना खर्च करे, कभी सोचे प्रधानमंत्री जी का भाषण, पता नहीं कौन सी बात कब जोड़ दे और कहां क्या कह दे, कोई पता नहीं। अभी गए थे दुनिया के सबसे ज्यादा जहां एक साथ लोग इकट्ठे होते हैं, दुनिया के सब राष्ट्रपति उद्योगपति बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, गए हमारे प्रधानमंत्री जी और कहने लगे कि हम जिस देश से चुन करके आए हैं वहां के 600 करोड़ वोटरों ने हमें चुन करके भेजा है। बताइए 600 करोड़ वोटर कहां पे हैं? और वहां गए हमारे संत कवि नगर में, कबीर की धरती पे गए, और पता नहीं कहां से ज्ञान आया और कहने लगे ये वही धरती है जहां पर कबीर और गुरु नानक मिलकर के बातचीत करते थे। जो उम्र का फासला है उनका 200-300 साल का फर्क है, सोचो। और गोरखनाथ भी हमारे साथ बैठ के बातचीत करते थे। कमाल के बीजेपी के लोग हैं। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि 22,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहे विज्ञापन पर। 22,000 करोड़, उनका हर झूठ सच बताया जा रहा है। आज बहस देश में होनी चाहिए किसान के हालात पर। और मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, जितनी महंगाई कांग्रेस ने बढ़ाई थी उससे ऊपर अगर महंगाई किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। कर दी महंगाई उससे ऊपर। डीजल पेट्रोल सोचो जब महंगा था, जब चुनाव 2014 का था कहते थे कि महंगाई हम कम कर देंगे, लेकिन सत्ता में आए तो बताओ महंगाई कम हुई कि महंगाई बढ़ा दी? यार डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है किसान भाई, बताइए आप। पता नहीं कहां से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कहां तक कि हम घर घर चूल्हा भिजवा देंगे, चूल्हा वाला घर घर पहुंचा दिया गरीब के यहां। सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज क्या है? पहले 300-350 थी, महंगाई कम नहीं हुई, आज 1,000 के करीब पहुंचा दिया इन्होंने। जो महंगाई बढ़ाई थी कांग्रेस ने उसी महंगाई को आगे ले गई है। बहुत कहते थे बीजेपी के लोग कि डॉलर ऊपर जा रहा है रुपया नीचे जा रहा है। अब बताओ रुपया कहां पहुंच गया, डॉलर कहां पहुंच गया? भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी तो चर्चा करो उस पर, नहीं चर्चा कर रहे। हमारे गांव से लोग आए होंगे, तमाम सरपंच बैठे होंगे, शौचालय बनाने की न जाने कितने वर्षों से स्कीम चल रही है, सोचो शौचालय कैसा बन रहा है। पहले कांग्रेस एक गड्ढे का बनाती थी और भारतीय जनता पार्टी अब दो गड्ढे का शौचालय बना रही है। यही तो फर्क है, बताओ क्या फर्क है? बताओ, इससे ज्यादा फर्क हो तो बताओ हमें आप। पहले एक गड्ढे का, दो गड्ढे का, और पानी पहले भी नहीं था, पानी अभी भी नहीं आ रहा उसके अंदर। सोचो प्रधानमंत्री किस रास्ते पे देश को ले जा रहे हैं। गरीब का आवास क्या बन रहा है? 1,20,000 का। समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में गरीबों का आवास 3,05,000 में बनवा देते थे कि कम से कम गरीब का पूरा घर तो बन जाए। नोटबंदी हो गई, बर्बाद हो गए सब, बर्बाद हो गए नोटबंदी से। और हमारी भोली वाली जनता सोचने लगी कि शायद नोटबंदी से उनके अकाउंट में 15,00,000 रुपए आ जाएंगे। तो भाई और राजनगर के लोग अब तो इंतजार नहीं कर रहे आप, कभी भी इंतजार में हो कि शायद आ जाएगा 15,00,000 रुपया। सोचो क्या हालत पैदा कर दी नोटबंदी से।
गरीब का कोई दुख दर्द नहीं समझ रहे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने अपील करने आए हैं। बहुत लंबी बात की जा सकती है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जब आकलन करोगे दोनों दलों में, आप उनकी नीतियों के कार्यक्रमों को एक सा पाओगे। समाजवादी लोग बहुत चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बने पार्टी, समाजवादी लोग चाहते हैं कि पार्टी बन जाए और हमसे भी कांग्रेस के अच्छे संबंध रहे, लेकिन अब जब आ गए सत्यवीर चतुर्वेदी आ गए तो अब हम समझ जाएंगे कि कांग्रेस कैसे लोग हैं, कांग्रेस कैसे लोग हैं। जब अपने लोगों का अपमान कर दिया उन्होंने, उनको इंसाफ नहीं दे पाए। हमारी दोस्ती तो बहुत थी उनसे, उत्तर प्रदेश में क्या दोस्ती थी, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी तब जाकर के समाजवादियों के करीब पाएगी, और कमजोर होगी तो दोस्ती होगी, अगर ताकतवर होती तो वो किसी का सम्मान नहीं करती कभी। इसलिए मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय चतुर्वेदी जी का नाम केवल यहां के लोग नहीं जानते, पूरा देश जानता है इनके बारे में, पूरा देश जानता है। हमें जो मिला वो मिला है बंडी भैया के रूप में, लेकिन कांग्रेस ने क्या खोया है ये चुनाव के बाद पता लगेगा उनको। हमें हो सकता है खुशी होगी बंडी भैया हमें मिल गए, हमारे विधायक बन करके जाएंगे। इसलिए ये चुनाव आपके फैसले का चुनाव है, क्योंकि अगर फैसला कहीं और से हो जाता तो शायद हम आपसे निवेदन अपील करने नहीं आते। हम निवेदन अपील इसलिए करने आए हैं कि ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव राजनीतिक विरासत का चुनाव है। जिस परिवार ने आपके लिए न जाने कितना कुछ किया हो, सेवा की हो, त्याग किया हो, आज समय आया है उसी विरासत को उनके अगली पीढ़ी को देने का। इसलिए हम निवेदन करने आए आपसे, अपने तमाम समाजवादी साथियों से अपील कर रहे हैं हम। पहला रिजल्ट अगर कहीं निकले साइकिल के पक्ष में तो यही राजनगर से निकलना चाहिए। बताओ राजनगर से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, और तब निकालना चाहिए कि देश को रास्ता कौन दिखाएगा। देश को रास्ता दिखाना चाहते हैं हम, और देश को रास्ता दिखाना है। परिवर्तन ऐसे ही होता है। एक बार डॉक्टर लोहिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, जयप्रकाश जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, और वो समाजवादी विचारधारा देखो देश में कैसी दिखाई दे रही है। इस बार सत्यवीर चतुर्वेदी जी ने छोड़ी है, आप देखना की ताकत क्या दिखाई देती है मध्य प्रदेश में। और असर यह है, आपके आने से असर यह है कि आसपास के जिले में अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं, आपको हमसे बेहतर समझ रहे होंगे। बताइए लड़ रही कि नहीं लड़ रही पार्टी। पन्ना में देख लो, टीकमगढ़ में देख लो, किसका मुकाबला है। आपके आने से साइकिल मुकाबले में आ गई है, साइकिल मुकाबले में रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। और फिर क्या नहीं हो सकता है यहां पर, ये बताओ। हम तो बहुत दिनों से आ रहे हैं यहां पर, हमारे साथी जानते होंगे कि जब कभी भी हमें मौका मिलता था जरूर हमें आते थे। क्या नहीं हो सकता है यहां पर, ये पिछड़ापन, जो खेतों में पानी नहीं, बुंदेलखंड का इलाका थोड़ा बहुत तरक्की के रास्ते पे हम लोग ले गए वहां पर, लेकिन ये बुंदेलखंड वैसे ही का वैसा रह गया। बताओ ये मुख्यमंत्री 15 साल से बीजेपी के लोग बताएं, कांग्रेस के लोग बताएं कि अगर कहीं एक ऐसी भी सड़क बनाई हो जहां पर जरूरत पड़ने पे हवाई जहाज उतर जाते हो, तो बताओ एक सड़क बनाई हो तो। नहीं बना पाए। किसान आत्महत्या कर रहा, पहले भी करता था, अब भी कर रहा आत्महत्या। हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर गया, कोई मदद सरकार नहीं कर रही है। हम नीतियों से कार्यक्रम लागू कर करके कि किसानों की पैदावार को कैसे हम आगे ले जाएं, उनको कैसे दाम दे दें, कोई दाम नहीं देगा। याद रखना, अच्छी नीयत की सरकार होगी तो किसानों की भी भलाई होगी। हमने उत्तर प्रदेश में काम किया, जब हमारा किसान संकट में था हमें सरकार के खजाने से पैसा देना पड़ा, हमने खजाने को रोका नहीं, अपने किसानों की मदद करने का काम किया। आप जानकारी कहिए, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब मौका मिला हमें,
कोई किसान की अगर दुर्घटना हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, हमारे उत्तर प्रदेश के भी लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि जब कभी सरकार के पास आ गई बात, सरकार 5 लाख से उसकी मदद करती थी। इस बार सरकार बन जाती तो हम 8 लाख की मदद करते। हमने फैसला लिया है कि अगर कोई किसान की जान चली जाए उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार मदद करे। और ऐसा किसान जिसका परिवार पीछे छूट जाता है, उसके जीवन यापन के लिए अगर खजाने से 10 लाख भी देना पड़े तो हम समाजवादी लोग पीछे नहीं रहेंगे। कोई कौन रिस्क ले किसान के लिए? रिस्क कोई ले सकता है तो सरकार ले सकती है। अभी ये नौजवान है, ये नौजवानों का भविष्य क्या है कोई नहीं जानता। दुर्भाग्य हमारे देश का और प्रधानमंत्री का, सोचिए दुनिया के न जाने कितने देश घुमाए, लेकिन हमारा किसान और हमारा नौजवान वैसे ही का वैसा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान के हाथ में कोई नौकरी रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हाथ में नौकरी नहीं। और हालात कैसे पैदा कर दिए हैं कि अब हमारा नौजवान सपने भी नहीं देख सकता। कौन करेगा बदलाव? अगर दुनिया में दूसरे देश बदलाव ला सकते हैं तो बताओ हमारे देश में बदलाव क्यों नहीं आ सकता? और जब तक बड़े काम नहीं होंगे तब तक न किसान हमारा खुशहाल होगा, न नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल पाएंगे। ये छोटे काम कर करके धोखा दे रहे हैं। कभी कभी आंकड़े और अखबारों में निकलता पैसा लेके चले गए लोग। आपका हमारा पैसा जो बैंक में था, प्रधानमंत्री बहुत चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, कालाधन की। सबसे ज्यादा अगर देश को किसी ने कंगाल किया है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कंगाल किया। मुझे याद है वो दिन जिस समय पूरा का पूरा बाजार खोला जा रहा था बाहर के लोगों के लिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम इसलिए बाजार खोल रहे हैं कि जब बाजार खुलेगा तो ऊपर से कारोबार चलेगा और ऊपर से ऐसी व्यवस्था बनेगी कि आखिरी व्यक्ति को भी लाभ पहुंच जाएगा, लेकिन अभी लाभ नहीं पहुंचा है। वही लोग बीजेपी के लोग कहने लगे कि नोटबंदी और इससे न जाने कितना पैसा आ जाएगा। बताओ कोई काला धन वापिस आया तो बताइए हमें, और जो आपने जमा किया पैसा वो भी लेके चले गए, बड़े पैमाने पे चले गए। और याद रखना साथियों, जो आंकड़े जानते होंगे कि अगर केवल देश के 2000 लोगों का हिसाब किताब कर लिया जाए तो हमारी पूरी बैंकें मालामाल हो जाएंगी। केवल 2000 लोग हैं जिन्होंने इस देश को कंगाल कर दिया। तो इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि रास्ता नया जरूर है, लेकिन ये विचारधारा बहुत पुरानी है। ये वही विचारधारा है जो हमारे संविधान हमारा रास्ता दिखाता है। इसी विचारधारा पे कांग्रेस को आगे चलना था लेकिन नहीं चली। तो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर जयप्रकाश जी जैसे लोग पार्टी छोड़ करके चले गए थे, उन्होंने इस विचारधारा का जन्म लिया। तब जाकर के ये विचारधारा बनी, समाजवादी आंदोलन खड़ा हुआ। आज वही चक्र घूम गया। देखिए कि कांग्रेस से उनके बड़े नेता सत्य चतुर्वेदी जी के बेटे हमारे साथ हैं, फिर वही समाजवादी रास्ता आगे बढ़ने जा रहा है। इसलिए बहुत लंबी बातें न करता हुआ मैं आपसे अपील करता हूं कि बताओ समाजवादी साथियों और यहां की जनता बंटी भैया को कितने वोटों से जिताने जा रहे हो? ये कम वोट नहीं, वोट किसी का नहीं पड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा वोट अगर मशीन पे दिखाई दे तो बंटी भैया और साइकिल का दिखाई दे। आपको कहां मिलेगा ऐसा पूरा परिवार जो आपके बीच में काम करेगा? और अब तो हम भी लोग भी आपका साथ देंगे, क्योंकि ये रिश्ता समाजवादियों का पक्का रिश्ता होता है, पक्का रिश्ता बनाने आए हैं ये। हम समाजवादी लोग कोई कच्चा रिश्ता नहीं बनाते। अगर हमारे बंटी भैया के बारे में कहोगे कि जिसके साथ वो खड़े हैं तो खड़े हैं, तो हम समाजवादी लोग भी जिसका एक बार साथ देते हैं फिर साथ दोबारा नहीं छोड़ेंगे उनका। और फिर जब आदरणीय सत्य चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल था फैसला लेना, कि जब इतना अपमान हो जाए तो फैसला क्या लें,
मैं समझता हूं उम्र जरूर आपकी है, लेकिन जनता के लिए जुनून है आपके अंदर काम करने के लिए, और उसी जुनून ने आपको हिम्मत दी और उसी की वजह से आपने फैसला लिया। इसलिए एक बार फिर आपसे अपील निवेदन करता हुआ कि केवल 2 दिन का चुनाव है, अब कोई आने वाला नहीं, ना सहयोग मांगने वाला, इसलिए पूरा वोट एक कर करके अपने बंटी भैया को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। यही निवेदन, ये अपील करने हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपके दुख दर्द में ये खड़े हैं तो समाज रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इस उम्मीद और भरोसे के साथ जब वोट पड़ेगा तो एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।